बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की विवादित किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल का मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में सुनवाई में आने से चर्चा में है। करीना कपूर खान द्वारा लिखित और जगन्नाथ बुक्स द्वारा प्रकाशित करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल किताब के खिलाफ क्रिश्चियन समाज ने आपत्ति जाहिर की। क्रिश्चियन समाज का कहना है कि किताब के नाम से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकील क्रिस्टोफर एंथनी द्वारा मामले पर एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिका दायर की गई। इस पर पिछली सुनवाई में करीना कपूर खान सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस जीएस आलूवालिया की सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई की जा रही है। पूर्व में हुई मई 2024 में इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस जीएस आलूवालिया ने करीना कपूर खान, अदिति शाह भीमजियानी, अमेजन इंडिया, जगन्नाथ बुक्स और अन्य को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इस पर करीना कपूर खान की ओर से अधिवक्ता दिव्य कृष्ण बिलिया एवं निखिल भट्ट द्वारा जवाब पेश किया गया और जवाब में करीना कपूर की ओर से याचिका पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। फिल्म अभिनेत्री की ओर से वकील ने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के सामने अपील की है कि इस मामले में चल रही सुनवाई से किसी वर्ग या समाज विशेष की भावना को आहत करने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त याचिका को खारिज करने की अपील की। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस आलूवालिया ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय तय किया है। करीना कपूर की विवादित किताब पर एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। जी तो अगर मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा मैटर के बारे में बताऊं, तो करीना कपूर खान ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने मैटरनिटी के दौरान जो उनका जीवन था उससे संबंधित बातें कुछ बताई थी उस किताब में, जिसका नाम था दी प्रेगनेंसी बाइबल। तो उसी को लेके एंथनी साहब हैं, क्रिस्टोफर एंथनी, जिन्होंने एक यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि इस शीर्षक के द्वारा जो क्रिश्चियन समाज है उससे हमारी भावनाएं, जो समाज से जुड़ी भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको आहत पहुँचा है। और उन्होंने ये मांग की थी कि इन पे 292 IPC एंड 295-294 IPC के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके संबंधित ये याचिका उन्होंने दायर की थी। 292-294 धाराएं जो हैं IPC की, वो ये बोलती हैं कि कोई अश्लील पुस्तक का विक्रय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एवज में ये धाराएं लगाई जाती हैं, इन पे मुकदमा कायम किया जाता है। आज हमने कोर्ट के संबंधित एक 700 पेज का रिप्लाई फाइल किया है जिसमें हमने कोर्ट को ये बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि जो बाइबल शब्द का यूज़ है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं था। और हमने इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स का हवाला देते हुए उनको ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि बाइबल का जो मतलब है वो एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो HM सीरवाई साहब एक संविधान की किताब लिखते हैं जिसे कई बार लोकल लैंग्वेज में बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है उस विषय में, इसलिए उसको ये नाम दिया जाता है। तो हमने ये पक्ष रखा है और इसकी अगली सुनवाई 10 सितंबर को है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपका सर नाम बताइए। मेरा नाम निखिल भट्ट, अधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।